गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 8th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का नवा क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे थे। नवा प्रश्न है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 0.3 है? पहले इसका जवाब दो, और क्यों इसका जवाब दो अथवा क्यों नहीं, वह क्यों नहीं, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसका जवाब हम लेंगे। क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, चेक करना है। ठीक है, 3 सही 1/3 बराबर 3 × 9, 3 × 9 = 10 बटा 3। ठीक है, 10/3। अब अपन लिखेंगे 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है, ये दिया है, दिया गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 0.3 है। तब अतः 10/3 × 0.3 इसकी कैलकुलेशन कर, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कटेगा कितना आ गया 1। 1 गुणात्मक तत्समक है, बताया नहीं है कि गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे गुणा करने पर उसका मान कितना जाए 1। अब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यदि होगा तो 10 से 1/3 को साधारण व्यंजन में बदल लिया अपन ने, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 10 में 3 = 9, 9 में 1 जोड़िए कितना आएगा 10/3 दिया है। क्या कहते हैं 10/3, मतलब 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब ये है या नहीं है इसको चेक करना है, तो 10/3 × 0.3 इसको गुणा किया तो इसका मान कितना गया था, क्योंकि यहाँ गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 1 अंक छोड़कर 10 लगाओगे 3 रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 एक, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, 1 यहाँ कट जाएगा, ये इसको इससे गुणा कर लिया। 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक, तो गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमें आता है 0.3 पता है चाहिए, लेकिन 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, क्योंकि 3 सही 1/3 गुणा 0.3 बराबर 1 गुणात्मक तत्समक। प्राप्त होता है, तो अपन ने चेक कर लिया, पहले पूछ रहा है इसे गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, तो अपन इसको चेक किए गुणा करके तो 1 प्राप्त हुई, गुणात्मक तत्समक है। इसका मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो ये संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। फिर ये पूछ रहा है आगे क्यों, तो क्योंकि 3 सही 1/3 को 0.3 से गुणा किया 1 प्राप्त हुआ, 1 क्या गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता, इसलिए ये क्या है आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, इस पर इसको गुणा करने पर यदि 1 आता है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता, इसको गुणा किया तो
इसका मान वन आ गया, ये इसको बदला है, बदलने के बाद फिर अपन ने गुणा किया, गुणा करने पर वन प्राप्त हुआ, वन क्या है गुणात्मक तत्समक, तो गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, तीन से एक बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है, तो इसका जवाब हमने दे दिया था। पूछ रहा था प्रश्न उसका, आगे देखिए प्रश्न 10, दसवां क्वेश्चन है, आपके बेसिक चीज पर निर्भर करता है जो अपन ने पहले पढ़ा इसके बारे में, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्या लिखना है, नंबर 12 प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो बताइए कौन सी संख्या होगी, आप सोच कर देखिए कि किसका व्युत्क्रम नहीं होता है, तो बताइए अपन ने 1/2 का व्युत्क्रम, सभी संख्याओं का व्युत्क्रम होता है, लेकिन 0 का व्युत्क्रम नहीं होता, शून्य का व्युत्क्रम, पृष्ठभूमि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि देखिए 0 का व्युत्क्रम अपन इसको बदलेंगे 1/0 जो कि क्या होता है अपरिभाषित होता है, अनंत, इसको अनंत भी बोलते हैं, अपरिभाषित, ये चिन्ह है, ये उल्ट आड़े आठ होता है ऐसे, ठीक है, तो ये आपका आपको सीधी सी भाषा में यह है कि किसका नहीं होता है, तो शून्य का नहीं होता, सभी संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, आपको तो केवल शून्य लिखना है, छोटे शब्दों में छोटा जवाब है इसका, चाहिए लिख दो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कारण आपको बता दिया, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम शून्य का उल्टा करोगे तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, ठीक है, जो आप इसके बारे में आगे जानकारी पढ़ते हैं, चलो यहाँ देख लीजिए अपरिभाषित होता है। दूसरा प्रश्न इसका है, लेकिन परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, व्युत्क्रम के समान होती है, अब उल्टा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी संख्या बोलो जिनको उल्टा कर दे, अदल बदल कर दे, अंश को हर में हर को अंश में कर दे और उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी संख्या बताइए, तो यहां पर है एक और माइनस एक, एक का व्युत्क्रम एक का उल्टा एक ही होगा, और माइनस एक का व्युत्क्रम, तो माइनस एक का व्युत्क्रम 1/-1, तो इसका मतलब माइनस, तो स्वयं का व्युत्क्रम स्वयं ही होता है, गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम तो मतलब होता है उल्टा, अब एक का उल्टा क्या करें, तो 1/0 1/1 कैसे बदल दो, उसका व्युत्क्रम खुद संख्या ही आती है, माइनस एक का व्युत्क्रम करें उल्टा करें माइनस का एक, तो इसका अब जैसे मान लीजिए 1/2 इसका व्युत्क्रम करते हैं तो 2/1 हो जाता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को अर्ध बदल दो, अर्ध को अंश में बदल दो, व्युत्क्रम करना कहलाता है, ठीक है, तो यहां पर एक आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका,
परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, कहने मतलब अपना ऋणात्मक चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिमेय संख्या उसके आगे माइनस चिन्ह लगाओ चाहे प्लस चिन्ह लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसी संख्या कौन सी है? शून्य, जीरो। यानी कि आंसर में शून्य लिख दीजिए, जीरो। ठीक है, ये आपका दसवां प्रश्न है। अब देखिए ग्यारहवां प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो यहां पर ग्यारह प्रश्न देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला है इसमें यह है कि शून्य का व्युत्क्रम डॉट डॉट है, बताइए शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? अभी बताया कि जीरो है, जीरो का व्युत्क्रम, अगर जीरो है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो जीरो के नीचे क्या लगा सकते हैं? एक, एक लगा लिया, इसका व्युत्क्रम जब करते हैं तो एक ऊपर और जीरो नीचे, तो ये जो मान है वो अपरिभाषित है, इसलिए क्या लिखेंगे? नहीं, जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, आगे समझिए कि जब जीरो है जीरो के नीचे वन लगा सकते हैं और इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो एक बटे जीरो आता है, इसका कोई मान फिक्स नहीं होता है, अपरिभाषित है, इसलिए क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो अभी अपन ने ऊपर कर रहे थे उन्हीं प्रश्नों के रिक्त स्थान है, ये कह रहे हैं संख्याएं के रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान है स्वयं के व्युत्क्रम हैं, स्वयं के व्युत्क्रम ऐसी संख्या जिनका व्युत्क्रम करें पर वो खुद ही प्राप्त होती है, ऐसी संख्या बताओ जिनका उल्टा करने पर खुद ही आ जाए, तो क्या आएगा? एक, एक का उल्टा जैसे एक है, एक का उल्टा करोगे आप एक बटे एक लिख लेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो एक बटे एक ही आएगा, इसका मान भी एक ही आया, जो संख्या थी उसका व्युत्क्रम स्वयं आ गया। माइनस एक है तो उसके माइनस एक के नीचे एक लगा लेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे मान लीजिए उल्टा करते हैं तो एक बटे माइनस एक आता है, इसको हल करेंगे तो माइनस एक ही आएगा, स्वयं संख्या ही प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारे एक है एक के नीचे एक लगाएंगे उल्टा करेंगे तो एक बटा एक ही रहेगा, इसका मतलब एक ही आएगा, खुद ही संख्या आ जाएगी। माइनस एक है, अन्य संख्याओं में ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने दो ले लिया तो दो का लिख सकते हैं दो बटा एक, और इसका व्युत्क्रम करते हैं उल्टा करेंगे इसका व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटा दो, तो ये दो और एक बटा दो बराबर थोड़ी ना होती है, तो अन्य संख्याओं में नहीं होता है, एक और माइनस एक में ऐसा होता है, तो एक नंबर देंगे हम एक और एक में क्या लिखेंगे? माइनस का एक। ठीक है, इस तरीके से रिक्त स्थान भरना है जो अपने प्रश्न में भी हल करेंगे, व्युत्क्रम उल्टा अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। तीसरा है माइनस पांच का व्युत्क्रम है, माइनस पांच का व्युत्क्रम क्या होता है? तो देखिए माइनस पांच है, अपन इसको लिख सकते हैं पांच बटे में, माइनस पांच बटे में एक, अब इसका व्युत्क्रम करते हैं
व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हरमय और हर को अंश में, ये इसका क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। ऐसे अपन रिक्त स्थान की अपन को केवल क्या करनी है पूर्ति, तो ऐसे प्राप्त होगा माइनस पांच का व्युत्क्रम। तो माइनस पांच है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, माइनस के पांच बटे एक, इसका फिर व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हरमय और हर को अंश में बदलते हैं, तो एक ऊपर चल जाएगा और माइनस का पांच नीचे आ जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, माइनस का एक बटा ये पांच बटे माइनस एक है। अगला देखिए इसका चौथा प्रश्न है, एक बटे एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स का मान शून्य के बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम अब बताओ एक बटे एक्स। अब वही प्रक्रिया, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अंश हर को तो अंश में, अंश को हर में, एक्स बटा एक, अब एक का भाग एक्स में देंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, यहाँ क्या लिख देंगे एक्स, ठीक है। आया समझ में कि वन बटे एक्स, वन बटे एक्स का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अंश को तो ले जाओ हर की जगह, हर को अंश की जगह उल्टा कर देंगे तो एक्स ऊपर और एक नीचे, एक का भाग एक्स में देंगे तो एक्स बार जाएगा तो एक्स ही दिखेगा। पांचवा है, दो परिमेय, संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, ठीक है, यह है ये सब है, ठीक है। अब इसमें देखें ऐसी स्थिति में कि दो परिमेय संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए चाहे कोई सी भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए और उनको परस्पर गुणा करते हैं तो परिमेय ही प्राप्त होती है, ये फिक्स है, तो लिख देंगे इस वर्ग स्थान में क्या आएगा, परिमेय संख्या। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के देख लो, कोई सी बटे वाली संख्या, दो बटा तीन, दो बटे पांच है, इसको मान लीजिए एक परिमेय संख्या, दो बटे पांच ले ली, एक पांच ले ली, गुणा करेंगे दो आ गया, घट जाएगा, तो ये दो भी क्या है आपकी परिमेय संख्या ही है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई सी भी दो परिमेय संख्या ले सकते हैं आप, तो उनको आप परस्पर गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त। अंतिम है इसका, छठा प्रश्न है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है। अब बताओ कोई धनात्मक संख्या है, मान लीजिए दो बटे पांच है, ये धनात्मक है, इसको उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आप चिन्ह थोड़ी ना बदलते हैं, क्या बदलते हैं, अंश को हरमय और हर को अंश में, तो चिन्ह की तो यहाँ कोई बात ही नहीं, जब धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो धनात्मक संख्या ही आती है, धनात्मक में धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या रख देंगे, धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अगर धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर देखें तो
कोई भी संख्या नहीं, अपन जो धनात्मक संख्या हो उसका व्युत्क्रम करना हो, 2/5 धनात्मक संख्या इसका व्युत्क्रम क्या होगा 5/2, तो धनात्मक ही प्राप्त होता है, यहाँ कोई चिन्ह से तात्पर्य नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी 1.1 प्रश्नावली पूर्ण होती है, अपन 1.2 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।